हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए आप में यहाँ पे ये वीडियो है आर्ट ऑफ आर्थरी के स्कोप स्क्रिमिस पैटल के बारे में। तो ये नया मैप है आईसी माउंटेन, और ये यस्टरडे यहाँ पे ये शुरू हुआ ये लीग। तो ये मैंने कल खेला था और आज मैं इसका वीडियो रख रहा हूँ। तो ये मेरा पहला मैच था इस वाले मैप में, मतलब कि अभी जो नया है वो पहले भी मैप था और उसमें हम खेल चुके हैं, तो पता है कि किस तरह से खेलना है यहाँ पे। और हमारे साथ है हमारे एलआई, और ज़्यादा कुछ बातें की नहीं थी हमने कि किस तरह से किसको कहाँ पे लगाना है चीज़ों को यहाँ पे, कि कहाँ पे हम बेस को एक्सटेंड करेंगे किस तरफ। तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा चला, बहुत लंबा चला था, थोड़ा सा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो थे हमारे एलआई उनका बेस डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उन्होंने मैच क्विट नहीं किया होगा तो यहाँ पे मैं खेल पाया था और पूरा ख़त्म कर पाया था। तो फिलहाल तो जल्दी जल्दी बढ़ाते ही आ गया थोड़ा बहुत, ये सब कलेक्ट कर रहे चीज़ों को फिलहाल हम यहाँ पे, और बना रहे अपना बेस इस तरफ से कुछ कंटेनर्स, बाकी सब कलेक्ट कर रहे हैं। और मैं इस तरफ एक्सटेंड करता हूँ हर बार बेस को, क्योंकि मुझे अभी अच्छे से सेट हो गया है कि किस तरह से यहाँ पे डिफेंड करना है बेस को। इस तरफ सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ और अटैक्स और बाकी सब यहाँ पे हम बनाएंगे जल्दी से अभी सप्लाई सेंटर्स। कुछ अटैक्स हो रहे हैं इस तरफ, कुछ यहाँ पे आ रहे हैं अटैक्स, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था और डिफेंस को बनाया बनाई यहाँ पे शुरू कर दिया बेस को एक्सटेंड करना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हम डिफेंस तो कर रहे थे आसानी से इस तरह। और हमारा एलआई भी यहाँ पे अटैक हुआ था थोड़ा बहुत, तो जल्दी आगे बढ़ाते हैं अभी गेम को। शुरुआत में 10 मिनट में कोई ज़्यादा बड़े अटैक होते नहीं हैं यहाँ पे, आसान से डिफेंस हो जाते हैं, थोड़े बहुत अटैक होते हैं इस तरह से। और अगर बंकर बना ली हो तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो अटैक्स होते हैं बाद में ही होते हैं बड़े वाले। यहाँ पे कुछ अटैक्स हो रहे हैं फिलहाल, तो बंकर्स को मैंने अच्छे से अपग्रेड किया है, क्योंकि वो थोड़ी देर तक तो एनिमी को होल्ड कर सकते हैं, तब तक मैं अपने बाकी यूनिट्स को लेकर वहाँ तक जा पाऊँ। और हमारा एलआई ने यहाँ पे आर्मी बना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था इस तरफ। मैंने अभी अभी यहाँ पे अपना लगाया था ब्रेकर्स, और अपनी जो है व्हीकल फैक्ट्री लगा रहा हूँ। ओके, थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होने वाला फिलहाल। तो यहाँ पे दोनों और जो एलआई है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो सभी तरफ से अटैक होते रहते हैं। आपको सभी जगह यहाँ पे बंकर बनाना ज़रूरी है, या फिर वॉल बना सकते हैं, लेकिन वॉल वाला कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं बंकर ही बनाता हूँ। पीछे से भी अटैक हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे उन्हें बोला था सप्लाई सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि कम थे, और मैं तो शुरुआत में सप्लाई सेंटर ही ज़्यादा बना लेता हूँ, बाद में आर्मी प्रोड्यूस करते हैं फटाफट। लेकिन यहाँ पे हमने कोई बात नहीं की थी कि कितनी चीज़ें बनानी है और किस तरह से बेस को एक्सटेंड करना है, इसलिए उन्होंने यहीं पे बेस को रखा, और मैंने जिस तरह मैं हर बार करता हूँ इस तरह एक्सटेंड किया बेस को इस वाले मैप में। तो और जिस बैंक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया यहाँ पे, ज़रूरी है कि आप एयर डिफेंसिस बना लें, क्योंकि जो भी उसके हॉक्स आएंगे वो आपकी टैंक्स को निशाना बनाएंगे। आपके पास अगर नहीं होंगे एयर डिफेंसिस तो वो बहुत नुकसान कर देंगे हमारी टैंक्स का या फिर बंकर का। ओके, अब भी अटैक होंगे 13 मिनट के आसपास, ज़्यादातर अटैक होते हैं बड़े थोड़े, और उसके बाद होते जाते हैं, और थोड़े से अटैक हो रहे हैं यहाँ पे। तो हैवी असल्स में ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपग्रेड भी उन्हीं यूनिट्स को किया है, हैवी असल्स को किया है, जीव टैंक्स को और वर्टेक्स इसको किया है, बस यहाँ पे अटैक होने वाला है, इसलिए दोनों ओर से अटैक हो रहा है अभी। और ये है उसके जैगुआर टैंक्स, और अभी मैं यहाँ पे वर्टेक्स बनाना शुरू कर रहा हूँगा थोड़ी देर में। और ये ड्रैगन फ्लाई से ये काफ़ी नुकसान कर दे अपनी जीव टैंक्स का, तो ज़रूरी है कि कुछ और हैवी असल्स हो आपके पास ड्रैगन फ्लाइज के लिए। ज़्यादा यहाँ पे बहुत से आ रहे हैं उसके यूनिट्स, आर्मडिलो से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आपके पास जीव टैंक्स हो तो।
लेकिन जैगुआर टैंक्स बहुत नुकसान करके जाता है। अगर मिली लो इसको तो वैसे अपने हैवी असल्ट पे आसानी से हैंडल कर लेते, और जैगुआर टैंक्स आ रही है ऊपर से थोड़ी सी। इस तरफ भी बड़ा अटैक हो रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि जैगुआर टैंक्स दो तीन है लगता है, और मैं यहाँ पे उलझा हुआ हूँ। ओके जल्दी जाएंगे हम उस तरफ। यहाँ पे टैंक्स मैंने भेजी है, जैगवा टैंक्स काफी नुकसान कर जाती है अगर अंदर तक आ जाए बेस के। ये उन्हें वर्टेक्स से हैंडल करना जरूरी है ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं जल्दी वर्टेक्स बना लूंगा अभी। ओके आ गई हमारे टैंक्स। तो यहाँ बेस को एक्सटेंड करने से काफी सारा हमें स्पेस मिल जा रहा है दूसरी चीजों को बनाने के लिए। और अभी पहुंच रही है, ओके थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अभी तो। आ रहे वापस टैंक्स, सिर्फ यहाँ पे मैंने फोर्ट्रेस को रखा है क्योंकि इस तरफ से भी बड़ा अटैक हो सकता है कभी भी। और यहाँ पे बिल्ड करने के लिए मैं बोल रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, और ये ज़रूरी है कि शुरुआत में कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता यहाँ पे। और हमने बात तो की नहीं थी इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। और एक और रास्ता है इस तरफ भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एनिमी के अटैक्स होते नहीं है ज़्यादातर, इस तरफ उसके कुछ आ गए हैं यूनिट्स और टैंक्स। इस टैंक ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे यहाँ पे वर्टेक्स भी बन रहे हैं। इस तरफ से कुछ और अटैक्स हो रहे हैं, ऊपर से भी कुछ अटैक्स हो रहे हैं फिलहाल। तो बंकर की वजह से यहाँ पे थोड़ी देर तक तो हम उन्हें रोक पाते हैं। इस तरफ में टैंक्स का काफी नुकसान हो गया था और मुझे इस तरफ आना पड़ा तुरंत ही क्योंकि यहाँ पे अटैक्स शुरू हो चुके थे दूसरी तरफ से, और उन्हें रोकना जरूरी था और इसे भी रोकना जरूरी था। ओके वर्टेक्सिस का यूज़ अगर जैगुआर्स के सामने करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, बाकी चीज़ों को तो हम आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने जो है ज्यूस टैंक से। और इन्होंने काफ़ी नुकसान कर दिया था यहाँ पे उसकी टैंक्स ने, तो वर्टेक्सिस टाइम पे बन गए वो अच्छा है। ओके ये तो हो गया, यहाँ पे हमारी टैंक्स भी वापस जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। और उसके यहाँ पे अभी भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है, और हम और बना देंगे वर्टेक्सिस। तो ये अटैक खत्म हो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ओके मुझे लगता है वर्टेक्सिस को कुछ ज़्यादा ही आगे भेज दिया था। ओके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 4 या 5 वर्टेक्स बन जाए बाद में तो बड़ा अटैक को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे पास उसकी जैगवार्स को पहले डिस्ट्रॉय कर दे तो बड़ा अटैक होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता ज़्यादा। और इस तरफ से बड़ा अटैक है अभी एक, और मैंने वर्टेक्स भेजे थे लेकिन मुझे लगता है ये कम पड़ गए होंगे।
तो ये अटैक काफ़ी बड़ा हो चुका था और मैंने अपने टैंक्स को भेजा तो होगा, लेकिन देर हो गई लगता है मुझे। यहाँ पे मैं वर्टेक्सेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था और टैंक्स को भेजा तो है, लेकिन पहुँचने में काफ़ी टाइम लग रहा है जीरो टैंक्स को, तो क्योंकि वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। और पहले मुझे लगा था वर्टेक्सेस से संभाल लेंगे हम, और यही गलती कर दी थी शायद। और उसके जैगवार टैंक्स बहुत ज़्यादा थे, मैंने यहाँ के सारे वर्ड भेज दिए थे अपने टैंक्स। और वो लोग पूरे आ चुके थे बेस में, तो यहाँ पे डिफेंड करना मुश्किल था, दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे इसलिए। के आगे बढ़ते हैं अभी, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स से डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन ज़्यादा कुछ बचा था नहीं। वापस बनाए यहाँ पे, तब भी अटैक होते रहते तो डिफेंड करना मुश्किल था, और मेरे पास भी बहुत कम टैंक्स थे कि हम जा पाए वहाँ पे। और टैंक्स बना रहा हूँ मैं फिलहाल, और वर्टेक्स से एक बात अच्छी है कि हम तुरंत जा सकते हैं यहाँ से अगर अटैक हो रहा है तो। और फिर इस तरफ से अटैक होने लगा, और एक तो यहाँ पे जरूरी है कि कुछ टैंक्स यहाँ पे भी हो मेरे पास, ताकि मैं जल्दी से आ पाऊँ। यहाँ पे टैंक्स मेरे पास थी नहीं, इसलिए काफ़ी कुछ डैमेज हो गया। मैंने सारी टैंक्स इस तरफ रखी थी नीचे की ओर, इस तरफ से कुछ और अटैक हो रहे थे पड़े, लेकिन फाइनल डिफेंड तो कर लिया था हमने ये वाला। और वर्टेक्स का फ्यूल ख़त्म हो जाए बाद में परेशानी शुरू हो जाती है। ये गए कुछ उसके, तो बढ़ते आगे अभी कि थोड़ी देर तक अभी कोई अटैक नहीं होंगे, बहुत बड़े अटैक हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं क्विट टर्न नहीं करने वाला था गेम, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलाई थे, उन्होंने भी यहाँ पे क्विट किया होता तो मैं जरूर से हार जाता पहले ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने गेम क्विट नहीं किया होगा। तो जल्दी से यहाँ पे वर्टेक्स बना रहे हैं हम, अभी छोटे छोटे थोड़े बहुत अटैक होंगे, अभी तो छोटे नहीं थोड़े बड़े, लेकिन वर्टेक्सिस है तब तक तो डिफेंड हो जाएंगी, क्योंकि जैगवार्स को मैं सबसे पहले उन्हीं से टारगेट कर देता हूँ वर्टेक्सिस से, और बाकी की यूनिट्स को तो आसानी से हम जीरो टैंक्स की मदद से संभाल लेते हैं, बस ड्रैगन फ्लाइज को नहीं। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं ड्रैगन फ्लाइज, ये बहुत अंदर चला गया था और एक बार वहाँ तक पहुँच गया, बाद में वापस आना मुश्किल है। एक और ऐसे ही अंदर और ये गया, तो उसके हावक्स टारगेट कर रहे सीधे हमारे टैंक्स को, और वर्टेक्सेस ख़त्म। तो अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे थे एयर डिफेंसेस, तो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया हावक्स, नहीं तो ख़त्म हो जाता ये अभी। और बाद में तो हमारे पास टैंक्स थे इतने कि डिफेंड कर पाए। ओके ये तो चला, और आगे बढ़ा दे जल्दी से। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से डिफेंड की पोजीशन में था, अटैक तो कर नहीं सकते थे, बहुत कम चीज़ें थी, तो यहाँ पे ज़रूरी था कि और चीज़ें बनाई जाए पीछे की ओर, और वर्टेक्सेस बनाए और
अपग्रेड तो कर दिया था यहाँ पे हेडक्वार्टर को लेवल 4 तक, तो ज़्यादा टैंक्स बना पाते हम। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। और टैंक्स बन जाए बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। ये थोड़े बहुत अटैक होंगे, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए थे लेकिन एयर डिफेंसिस यहाँ पे मैंने 2 लगा के रखे, तो उसके अलावा यहाँ पे अटैक पर प्रोटेक्स तक ना पहुँच पाए इसलिए। और बहुत सारे नहीं, 2-3 जगह से तो ही है, शेयर करना ज़रूरी था। और काफ़ी अंदर नहीं गए इसलिए बच गए प्रोटेक्स। एक और अटैक, और वापस चले यहाँ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तो डिफेंस के लिए मैंने पूरी तरह इस्तेमाल किया वर्टेक्स का, उसकी जगह को रिस्टोर करने के लिए। और बाद में यहाँ पे पहले ही जगह टैंक को रिस्टोर कर दे, तो अगर उसके आर्मरी लॉस और बाकी चीज़ें आए तो आसानी से रिस्टोर हो जाता है वर्टेक्स ज्यूस टैंक से। लेकिन यहाँ पे और ये कहा, बस इतना ही करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। उसके हावक्स काफ़ी नुकसान कर रहे हैं लेकिन मैं और एयर डिफेंसिव बनाने के लिए और कुछ नहीं कर सकता उनका, तो क्योंकि स्पेशल व्हीकल फैक्ट्री में यहाँ पे मैं बना सकता हूँ अपने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया नहीं है मैंने, तो यही ठीक है यहाँ पे एयर डिफेंसिस, इसलिए मैं ज़्यादा बना रहा हूँ एयर डिफेंसिस। तो आगे बढ़ते हैं और। ओके, थोड़े बहुत अटैक होंगे अभी। ओके, कुछ जैगवार से बस, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टैंक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों और से अटैक हो तो प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। और इस तरफ हम वर्टेक्स को लेके जा सकते हैं, और मैंने वही किया होगा क्योंकि बहुत सारी जैगवार थी यहाँ पर, टैंक्स भेजता तो भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अंदर तक नहीं गए, बच गए और गए सारे जैगवार्स, और ये थोड़ा अंदर तक पहुंच गया और ख़त्म हो गया। दोनों से अटैक हो रहे थे इसलिए प्रॉब्लम थी थोड़ी, लेकिन यहाँ पे पंकर्स थे तो बच गए। कुछ टैंक्स मैंने ऊपर की ओर पीछे, कुछ यहाँ पे, और कॉमन डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा था मैं ताकि पंकर थोड़ा और होल्ड कर पाए। यहाँ पे आपस से पंकर बना रहा हूँ, और कुछ जैगवार्स। तो जैसे ही जैगवार दिखती है यहाँ पे मैं वर्टेक्स का इस्तेमाल करता हूँ और वापस ले लेता हूँ डिस्ट्रॉय करके। तो आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा, बहुत सा यहाँ पे मैंने क्या बना रखा था, कुछ और एयर फैक्ट्री, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी अपने स्पेस स्ट्राइक का, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि उसके यूनिट्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय किया जाए, बहुत सारे यूनिट्स को। लेकिन काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए बनाने के लिए स्पेस स्ट्राइक। और कुछ और पड़े रखे, और बहुत सी आई थी जैगवार्स, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स बहुत सारे हैं तो एक ही बार में 2-3 जैगवार्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम, और बाद में तो कुछ नहीं।
और आगे बढ़ रही है जल्दी जल्दी। एक वन सप्लाई वर्टेक्स 8 है, यहाँ पे मैं अपनी स्पेस सिस्टम बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी और कुछ और अटैक्स हो रहे थे। यहाँ पे वापस आ गए कुछ स्टूडेंट्स। तो ड्रैगन फ्लाइज को तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने यहाँ पे एयर डिफेंसेस। दोनों ओर से साथ में अटैक हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे भेजना पड़ता है कुछ इस तरफ, और बाद में वर्टेक्स ऐसे ही हमें जैगुआर टैंक्स दिखे कभी कभी। ओके और आगे बढ़ते, ये छोटे अटैक्स तो होते ही रहेंगे पूरे में। और कुछ चीज़ आ रही है इस तरफ से अटैक के लिए, और वर्टेक्स आ गए हमारे, और आगे निकल गया था इस बार थोड़ा। एक और है यहाँ पे, ओके आपस चला गया लगता है, आ गया। हमारे एक ही जैगवार है तो शो कर दिए जिस स्ट्रेंथ से हमने, और जल्दी से बना रहे बाकी चीज़ों को अभी। और इसे मैंने आगे भेजा क्योंकि मुझे स्पेस स्ट्राइक के लिए स्पेस चाहिए थी थोड़ी, सीपी चाहिए था वो नहीं था, और मैंने वर्टेक्स का कुछ साथ ही बना लिया इसलिए ऐसा हुआ। कुछ टैंक्स डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजनी पड़ी, यहाँ पे आगे बढ़ते और स्पेस स्ट्राइक बन रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है कुछ, और यहाँ पे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था मेरा वर्टेक्स का क्योंकि इस तरफ चले गए थे एक बार। उसके बाद तो टैंक्स से संभाल लिया हमने आसानी से। ओके वर्टेक्स वापस लेके आए हम, और इस तरफ ना चल जाए इसलिए मैंने सीधा ऊपर की ओर क्लिक किया और इस तरफ चले गए, और यहाँ पे उसके ड्रैगन फ्लाइज दिख गए। तो मैं वापस से मुड़ के आया यहाँ पे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज काफ़ी नुकसान कर देते हैं हमारे इस टैंक्स का। कुछ इस तरफ चले गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए हमारे वर्टेक्स। और अभी जो भी बचे हैं इस तरफ आएंगे अपने टैंक से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ते थोड़ा जल्दी जल्दी। कुछ और अटैक्स, एक और पावर वर्टेक्स के इस्तेमाल, और ये ख़त्म हुआ। इस तरह स्पेस स्ट्राइक तैयार हो चुका है। ओके रखा है, नहीं रखा अभी तक, इस तरह रखने वाला था मैं जब तक मुझे याद है, अभी रखा होगा क्योंकि अटैक ख़त्म हुए। ओके टैंक्स बन गई है और स्पेस स्ट्राइक कहाँ पे करना है वो देखना होगा। ओके मैंने अभी तक किया नहीं था लगता है, देखने वाला था पहले उसके यूनिट्स कहाँ पे है। ओके स्टार्ट कर दिया यहीं पे उसके पावर प्लांट्स पे। तो पहले मैं सोच रहा था पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दूँ कुछ, लेकिन बाद में मैंने उसके यूनिट्स को टारगेट करना शुरू करना ट्राई किया कुछ। ओके कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई यहाँ पे, और जाते हैं वर्टेक्स के यहाँ पे देखने के लिए। तो इस तरफ से हम अंदर नहीं जाते पूरा, हम तो इसे ही वापस निकल जाते हैं और अटैक भी हो जाता है और हमारे वर्टेक्स भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होते इससे। और इस बार कुछ ही वर्टेक्स ने अटैक किया, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी रोक लिया था उन्हें।
और अभी यहाँ पे ज़रूरी एक स्ट्राइक करना था कि उसकी टैंक्स है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाए एक प्यार में, और वही क्या होगा यहाँ पे। केसीपी नहीं है, एक और टैंक भेजूंगा मैं आगे, तब तक हम कुछ चीज़ें और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वर्टेक्स से ही, और टैंक डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स है उसके, तो मैं आते से ही वापस जा रहा हूँ ताकि पूरे वर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए थोड़ा बहुत ही हो। और यहाँ पे स्पेस अटैक स्टार्ट कर दिया, और कुछ अटैक्स हो रहे थे इस तरफ से, ज़्यादा बड़े तो नहीं है तो डिफेंस हो जाएंगे आसानी से, और एयर डिफेंसेस भी ज़्यादा है तो एयर अटैक भी हो जाएंगे डिफेंस को थोड़ी बहुत। यहाँ पे पहले जैगवास को डिस्ट्रॉय किया, बाद में बाकी जो उसके प्रॉक्यूपाइन से हो तो तुरंत ही हो जाता है अपनी टैंक से, और ये ख़त्म हुए। और स्पेस स्ट्राइक भी तैयार हो चुका था इस तरफ, और वर्टेक्स को लेके मैं जा रहा था देखने के लिए उसकी यूनिट से यहीं पे है या हट गए यहीं पे है, तो यहीं पे मैंने स्पेस स्ट्राइक स्टार्ट किया बाद में। और थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस तरफ क्या है, थोड़े बहुत अटैक्स हो रहे हैं इस तरफ, और यहाँ पे स्पेस स्ट्राइक हो गया लेकिन इस तरफ अटैक्स हो रहे थे, मैं पहले इस तरफ डिफेंस कर रहा था। और इसे रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, क्या वापस आ गए। एक और स्पेस टैक प्रिपेयर कर रहा हूँ तब तक मैं, और देखने के जा रहे हैं यहाँ पे कितनी यूनिट्स है और हमें कितनी टैंक्स चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं है। और स्ट्राइक इस तरफ कुछ अटैक्स होने वाले थे यहाँ पे, ज़्यादा पड़े नहीं, जल्दी रिसाई करना जरूरी है क्योंकि बाद में हमें अटैक के लिए भी जाना होगा। और इस तरफ से भी अटैक हुआ कुछ छोटा, इसके साथ जा रहे थे हम यहाँ पे, और स्पीच स्ट्राइक यहीं पे करनी थी अभी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत और, यहाँ पे एक और बार मैं देखने के लिए किया कितनी यूनिट्स है, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे अपने वर्टेक्स से ही डिस्ट्रॉय कर दूँ ताकि हम यहाँ पे जीरो टैंक के साथ जा पाए अटैक के लिए। तो इस तरफ ज़्यादा है डिफेंस बचे नहीं इस तरफ अभी, तो मैंने यहीं पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया वर्टेक्स से ही। काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय भी किए, और इस तरफ अभी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अपनी टैंक्स को अटैक के लिए। और एक और अटैक यहाँ पर हो रहा है,
टैक्सेस। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे दोनों से थोड़े थोड़े अटैक हो रहे हैं बस। थोड़े बहुत तो वर्टेक्स के राउंड से ख़त्म हो जाएगी, और प्रॉब्लम ये है कि वो वापस से बना रहा है जितना भी मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि उसे टाइम मिल रहा है। तो सर भी कि मैं चेक करूँ तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने के बाद, पर यहाँ पे पहले इसे डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है सर। और गया इस तरफ, अभी ये बचा है, इसे रिस्टोर कर देंगे जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ओके अभी थोड़े बहुत आयो टेक किया और स्पेस स्ट्राइक किया है यहाँ पे एक, ताकि ज़्यादातर यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर पाए हम। यहाँ पे बहुत से यूनिट्स थे और मैंने देखा था, और कुछ है डिफेंसेस भी ख़त्म हुए, तो अभी मैं अच्छे से कर सकता है अटैक हुआ अटैक से। तो यहाँ पे कॉमन अटैक का इस्तेमाल किया और वर्टेक्स से गए हम पहले, बहुत कम यूनिट्स बचे थे अभी इस बार, तो एक मौका था अच्छा अटैक करने का जीरोस टैंक की मदद से। इस तरफ से थोड़े बहुत अटैक हो रहे थे लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं थे कुछ। यहाँ पे मैं इकट्ठा कर रहा था अपनी टैंक्स अटैक के लिए, और पूरा इस बार तो अंदर की ओर चला गया मैं, ताकि डिस्ट्रॉय कर पाऊँ दोनों यार्ड को, ताकि वो यहाँ पे वापस से ना बना पाए कुछ। हाँ वर्टेक्स का कुछ नुकसान हुआ, कुछ कम हो गए, लेकिन अभी टाइम था अपनी टैंक से अटैक करने का। सभी को यहीं पे इकट्ठा कर रहा हूँ तब तक मैं, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है। तो कुछ और अटैक किए यहाँ पे हमने, लेकिन इस बार बहुत सारे यूनिट्स थे इस तरफ, तो यहाँ पे ज़रूरी था जल्दी से स्पेस स्ट्राइक की जाए एक। और यहाँ पे उसके बहुत सारे बिल्डिंग्स ऑलरेडी डैमेज थी, तो बहुत डिस्ट्रॉय हो गए और सारे यूनिट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए, तो अभी मैं जा सकता था यहाँ पे अटैक के लिए। और मैंने वही किया, यहाँ पे अपनी टैंक्स को ले गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी टैंक्स लेकिन काफ़ी थी पूरा बहुत डैमेज करने के लिए, और बाद में एक और अटैक और ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके भी बहुत से यूनिट्स आ रहे थे धीरे धीरे, और सब उसके कुछ यहाँ पे थे कैमेलियन जो बहुत दूर तक अटैक कर रहे थे, तो मैंने पहले इसे डिस्ट्रॉय करना तभी समझा, और बाद में मुझे पता चला यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे। तो एक बार में इस बार ख़त्म करना पॉसिबल नहीं लगा मुझे, कुछ और इकट्ठा कर रहा था मैं तब, और बनाना ज़रूरी था यहाँ पे। इस तरफ से एक और बड़ा अटैक हुआ लेकिन बच गए फाइनली में आवे।
और मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा था चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे लाना पड़ा बाद में। अभी आएंगे। नहीं जरूरत नहीं पड़ी, वो टैक्सेस थे यहाँ पे हमारे पास, कुछ अटैक्स हो रहे थे छोटे मोटे यहाँ पे। और इस पास स्पेस टाइप नहीं थी, मैंने वाटर एक्सिस से ही सारे डिफेंसेस को ख़त्म करना सोचा मैंने। तो इस तरफ कुछ यूनिट्स थे उसके, और उसने काफ़ी कुछ वापस बना तो लिया था, लेकिन फिर भी अटैक तो करना ही था हमें ओवर टैक्स इस टैंक से, अपनी डिस्ट्रॉय कर पाते हम। तो सारे टैंक्स मैंने यहाँ पे लगा दिए अपने, और बाद में गए अटैक किए। अच्छी बात ये होगी कि उसके मिस पार आ चुके थे, तो पहले ही मैं कुछ ही उसको डिस्ट्रॉय कर पाया पार से ही। और कुछ जो टैंक मैंने पीछे से बुलाया तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर पाया सारी चीज़ों को। और फिर कुछ टैंक से हम यहाँ पे वर्टेक्स से जल्दी ख़त्म कर पाए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, अभी कुछ और अटैक हुए यहाँ पे, लेकिन हमारे पास डिफेंसेस तो थे, तो इस बार मौका था पूरी तरह रिस्टोर करने का सब कुछ, वही कर रहा था मैं। यहाँ पे कुछ कैमिलियंस थे और ज़रूरी था कि उन्हें मैं वर्टेक्स रिस्टोर करूँ। यहाँ पे कुछ अटैक्स हो रहे थे, इन इतने थे हमारे पास सीयूस। ये हो गया, यहाँ पे एक दो है बस, इतने भी शेयर करके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। इस पर भी थोड़ा बहुत बच गया था लगता है मुझे, और टैंक्स भेज रहा हूँ मैं अभी। और मैं इस तरफ आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई अटैक नहीं कर रहा था इस तरफ, और रेंज के बाहर था मैं सबकी, और टैंक्स में कलेक्ट कर रहा था इस तरफ अटैक के लिए जाने के लिए। यहाँ पे कुछ और अटैक हुए, और कुछ टैंक्स भी नहीं थे ज़्यादा हमारे पास, लेकिन बच गए। जल्दी जल्दी आ रहे थे इस तरफ से हम, और इस बार इनफ थे टैंक्स इतने हमारे पास। तो इस बार तो आसान से डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। कुछ डिफेंसेस थे यहाँ पे, लेकिन बच गए। उसके कुछ प्रोक्यूपाइंस और ये ड्रैगन फ्लाई के लिए सब इसे डिस्ट्रॉय किया जाए पहले। और भी काफ़ी कम चीज़ें थी, तो मैंने सोचा पहले सारे पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर दूँ। यहाँ पे पहले ये वाला रिश्वे किया, और मैं इसके साथ यहाँ पे स्पेस सिस्टम थी वो भी निकाल दी, क्योंकि
काफ़ी सारे एनर्जी ले रही थी और मैं कुछ और डिफेंसेस बनाना चाहता था और स्पेस टाइक करना भी नहीं वाला था मैं आगे। तो ये ख़त्म हुआ आखिरकार, तो एक ही टैंक बची बाद में हमारे पास यहाँ पे, और अब भी काफ़ी आसान हो गया था ये क्योंकि वन साइड से अभी अटैक होने के कोई चांस नहीं थे, तो हम सिर्फ एक ही साइड पे फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है वो, और यहाँ पे काफ़ी सारे टैंक्स थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कितना भी अटैक हो जाए, और वर्टेक्सेस भी थे इस बार तो। ये गया, और कुछ इसके प्रोक्यूपाइन आ रहे थे थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत से थे हमारे पास यहाँ पे, और ये मैंने गलती से दो को आगे भेज दिया था और उनके आने के अब वापस आने के कोई चांस थे नहीं, तो मैंने जाने दिया बाद में। और चीज़ें बना रहे हैं फिलहाल हम यहाँ पे, सबसे पहले मैंने वर्टेक्स से अटैक किए कुछ थोड़े बहुत, और एक और यहाँ पे डिफेंस की बना लिया सब कुछ, और आगे की चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा था मैं वर्टेक्स से। और कुछ और चीज़ें यहाँ पे, और अभी अटैक के लिए जाने की सोच ही रहा था, पहले मैं सोचा डिस्ट्रॉय कर दूँ ये सारे जगुआर टैंक्स को, बाद में अटैक करते साथ में सारे टैंक्स से, लेकिन वो इस तरफ जा रहा था तो मुझे पता चला इस तरफ से अटैक होगा, तो मुझे सारे टैंक्स उस तरफ लेके जाना पड़ा बाद में। पहले मुझे लगा यहाँ पे डिफेंसेस काफ़ी है, लेकिन जाना पड़ा इस तरफ काफ़ी कुछ था इसलिए। जल्दी जल्दी अटैक किए और ख़त्म किया इसे, ओके। अभी यहाँ पे मैं कुछ और डिफेंसेस बना रहा हूँ और सारी चीज़ों को वापस ले रहा हूँ इस तरफ, और अभी तो कोई अटैक नहीं हो रहे थे फिलहाल, तो यहाँ पे एक ही तरफ से अटैक हो रहा है, तो हमें थोड़ा टाइम मिल रहा था कि चीज़ों को वापस से बना पाए और कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर पाए इस तरफ से आगे, और मैं वर्टेक्स से वही कर रहा था थोड़ी बहुत चीज़ों को डिस्ट्रॉय, और जो बाहर के जो भी है आप एयर डिफेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था मैं, लेकिन फिर मुझे लगा यहाँ पे से ही कुछ हो पाएगा, थोड़े बहुत और अटैक हो रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे इस वजह से उसके बहुत से प्रोक्यूपाइन यहाँ पे बाहर आए जिसे मैं डिस्ट्रॉय कर पाया। तो अभी हमने यहाँ पे आगे बढ़ने का ही सोचा था कि सारे प्रोक्यूपाइन को डिस्ट्रॉय कर पाऊँ, बाद में मैं यहाँ पे अपने वर्टेक्सेस से बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर पाता, प्रोक्यूपाइन को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी था, तो एक बार अटैक करे तो बहुत से आ जाएंगे आगे की ओर प्रोक्यूपाइंस। यहाँ पे लेकिन हमारे टैंक्स सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं प्रोक्यूपाइंस के भी निशाना बना रहा था शुरुआत में, तो अभी यहाँ पे जितने ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर पाऊँ उतना ही अच्छा है। ये भी गया, कुछ और चीज़ें, और यहाँ पे वापस से बना रहे थे हम वर्टेक्सेस और बाकी चीज़ों को,
ओके वर्टेक्सेस बन चुके हैं और हम अटैक के लिए जा रहे थे अभी, तो उसके जितने भी यहाँ पे थे कैमेलिन उसे निशाना बनाया पहले, तो उसके बाद और जो भी थे अटैकर्स तो प्रोक्यूपेंस कम होने के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम मिल रहा था वर्टेक्सिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सब कुछ, और काफ़ी कम चीज़ें बची थी बाद में, तो पीछे की ही बचे रहे डिफेंसेस, आगे के हमने डिस्ट्रॉय कर दिए पूरे। और इकट्ठा कर रहा था मैं टैंक्स यहाँ पे, और चीज़ें आ रही थी यहाँ पे कुछ और अटैक्स, अभी यहाँ पे मैं सरफेस डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था, एक और पार ऊपर से अटैक होने वाला था यहाँ पे, लेकिन इस बार हमारे पास डिफेंसेस थे इनफ और अटैक भी बड़ा नहीं था, तो मैंने सोचा आगे ही जाके अटैक कर ले हम। और आगे बढ़ रहे थे इस तरह, ओके तो जितनी जल्दी अभी खत्म करते हैं, कुछ अटैक्स हो रहे थे इस तरफ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया उसके यूनिट्स, तो अंदर जाके अभी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो मैं पावर प्लांट को निशाना बनाना शुरू किया यहाँ पे, और बाकी टैंक्स को भी भेजना शुरू कर दिया, और कुछ यहाँ पे वर्टेक्सेस मदद से उसके बाकी जो सरफेस अटैकर्स थे उस पर अटैक किया मैंने पहले, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना सब कुछ, कि रास्ता साफ था, पहले अंदर जाके पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना था बस। कुछ और पावर प्लांट्स और टैंक्स भेज रहा था मैं पीछे से, आएंगी और ये भी गया है यहाँ पे भी, और कुछ चीज़ें ड्रैगन फ्लाइज बना लिए थे कुछ, और अभी तो काफ़ी कम चीज़ें बची थी, लेकिन हमारे टैंक्स ख़त्म हो रहे थे, मैंने दूसरे भेजे यहाँ पे, और वर्टेक्स का अटैक ताकि सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर पाऊँ सरफेस डिफेंसेस को, और ये ख़त्म हुआ फाइनल। तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकता था स्पेस स्ट्राइक, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे ज़्यादा वर्टेक्स बनाऊँगा तो उसके काफ़ी से यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर पाऊँगा वर्टेक्स से ही, और वही किया मैं, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं बस, और पावर प्लांट डिस्ट्रॉय करते ही सारा ख़त्म हो जाता है बस, बाद में तो कुछ नहीं। और तभी मैंने देखा इस तरफ से उसके यूनिट्स पीछे से आ गए थे बहुत सारे अटैक के लिए, तो अगर अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया होता मैंने ज़्यादा चीज़ों को, तो मुश्किल हो जाती हमारे लिए भी यहाँ पे, काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता। वर्टेक्स थे वैसे लेकिन फ्यूल ख़त्म हो चुका था वर्टेक्स का,
और तभी रिश्वे हो गया सब कुछ। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे ही वीडियोस देखते आने के लिए।